नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की सुबह में यहाँ पे बात करेंगे मेरे पास यहाँ पे कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, मतलब टोटल क्रेडिट कार्ड का कलेक्शन कितना है और उसमें लिमिट कितना है और टोटल लिमिट यहाँ पे कितना है मेरे पास, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए ये वीडियो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे लाया हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो आप बनाइए, करीब यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट आया था, लाइव में आ रहा था उसमें भी यहाँ पे बोला गया था कि आप यहाँ पे एक वीडियो बनाइए जिसपे आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड है, कितना लिमिट है, ये सब के ऊपर यहाँ पे वीडियो बना के जरूर यहाँ पे लाइए। तो मैंने सोचा ठीक है, यहाँ पे कल ही यहाँ पे मुझे एक पर्सन ने और बोला यहाँ पे कि आप एक वीडियो लाइए प्लीज़ यहाँ पे लाइए, तो मैंने सोचा ठीक है एक ला ही देते। तो आज की वीडियो में यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे कवर करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो पूरा लास्ट तक देखिए। यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ ही है ये, तो 100% मैं यहाँ पे बोला हूँ, हर वीडियो में यहाँ पे बोला हूँ, लाइव सेक्शन में भी यहाँ पे बोला हूँ कि विदाउट इनकम प्रूफ ही मेरा यहाँ पे कार्ड है। तो कैसे मिला सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दो, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट टेक, लेटेस्ट वीडियो और क्रेडिट कार्ड और बैंक से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो डेली मिलते रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाने वाला यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जब भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो लाता हूँ उसमें यही पूछा जाता है कि आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कितना है, वो तो आज मैं कवर कर दूंगा। दूसरा यहाँ पे ये पूछा जाता है कि सिविल स्कोर कितना है और इंक्वायरी कितनी है, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। तो सिविल मैं यहाँ पे बता दूँ, जो सिविल है क्रेडिट स्कोर में जो सिविल यहाँ पे है, सिविल कंपनी का जो यहाँ पे रिपोर्ट है उसमें मेरा यहाँ पे रिपोर्ट पिछले महीने का यहाँ पे बता दूँ, अभी अपडेट नहीं है, तो पिछले महीने के हिसाब से 776 है, ठीक है, मैं लाइव में यहाँ पे दिखा चुका हूँ, और एक्सपीरियंस के हिसाब से 799 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोन वगैरह है उसके कारण यहाँ पे कम हो गया, पहले 861 था, ठीक है, एक्सपीरियंस में। तो ये दोनों कवर कर दिया। और यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ, 522 बार यहाँ पे मैं पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे हुआ है, मतलब 522 के यहाँ पे हिस्ट्री है, ऑन टाइम 100% यहाँ पे कंप्लीट है। और यहाँ पे मेरा इंक्वायरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंक्वायरी वगैरह ये सब मैं यहाँ पे लाइव दिखा चुका हूँ, कोई भी यहाँ पे एडिटेड वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं अपने पॉइंट पे, कैसे हमें यहाँ पे कार्ड मिला। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कार्ड मिला, यहाँ पे 21 साल यहाँ पे पूरा ही होते ही मुझे यहाँ पे मिला था, ठीक है, जो कि यहाँ 3 साल करीब हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया मैं इसको यूज कर रहा हूँ। HDFC का पहला मुझे यहाँ पे कार्ड मिला था 1 लाख की लिमिट के साथ, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ HDFC का, ये मेरे पास यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको बता दूँ, HDFC का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था 1 लाख की लिमिट के साथ, ये तो ये तीसरा कार्ड है, पहले मुझे यहाँ पे रिगालिया फर्स्ट कार्ड मिला था, 1 लाख लिमिट मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कार्ड यहाँ पे मिला रिगालिया, ठीक है, सेकेंड ईयर में मुझे रिगालिया कार्ड मिला और ये थर्ड ईयर में मुझे मिला है मिलिनिया कार्ड। तो पहले यहाँ पे लिमिट मेरा यहाँ पे मिला था 1 लाख, सेकेंड ईयर में लिमिट यहाँ पे बढ़ा था 1,28,000, थर्ड ईयर में यहाँ पे मुझे मिला 1,56,000 की लिमिट हो गई है, मतलब टोटल यहाँ पे चौथा साल यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो ये कार्ड का यहाँ पे कवर कर दिया मैंने, ये विदाउट इनकम प्रूफ मिला था, विदाउट इनकम प्रूफ इसलिए मिला था, HDFC में अकाउंट था मेरा, कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह इतना होता नहीं था, सिविल बेस मुझे यहाँ पे मिल गया था, तो ये हो गया। फिर इसके बेस में देखिए ये कार्ड बनते ही, HDFC का ये कार्ड बनते ही मैंने यहाँ पे कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया था, कोई भी इनकम प्रूफ आज तक मैं नहीं दिया हूँ, आज तक जितने भी कार्ड मुझे मिले हैं एक भी इनकम प्रूफ नहीं दिया हूँ, ठीक है, एक भी इनकम प्रूफ नहीं दिया हूँ, क्योंकि सिविल में ही भाई सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। तो सिविल के बेस पे ही मैंने यहाँ पे सारे कार्ड लिए हैं। अब यहाँ पे दूसरे कार्ड के बारे में आते हैं, दूसरा कार्ड यहाँ पे मुझे मिला था SBI का, दूसरा कार्ड मैंने यहाँ पे 6 महीना यहाँ पे कंप्लीट होते ही कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया था, SBI का BPCL जो कि आज तक मेरे पास है, इसको भी यहाँ पे 2.5 साल करीब हो गया, तीसरा साल यहाँ पे जुलाई में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जुलाई तो चल ही रहा हो ही गया है, यहाँ पे तीसरा साल भी ये पूरा हो गया है। इसमें यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग लिमिट यहाँ पे मिली थी 1,30,000 रुपये, 1,30,000 की यहाँ पे मुझे लिमिट मिली थी, कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन हुआ, हो गया मुझे यहाँ पे कंप्लीटली 1,30,000 की लिमिट मिली थी, कार्ड टू कार्ड बेस बोल रहा हूँ, ठीक है, ना कोई इनकम प्रूफ कुछ नहीं दिया था। तो ये दूसरा कार्ड हो गया 1,30,000 की लिमिट के साथ, ये हो गया SBI BPCL। RBL बैंक का ये मेरा यहाँ पे तीसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड यहाँ पे है, स्टार्टिंग में मुझे 1,20,000 की लिमिट मिली थी, 1,20,000 लिमिट मिली थी, जिसमें अब यहाँ पे 2,11,000 की लिमिट हो गई, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कल ही वीडियो यहाँ पे बना के दिया था, ठीक है, ये टाइटेनियम डिलाइट कार्ड है, जब मुझे यहाँ पे मिला था तो दूसरा कार्ड था, वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये है ये मेरे पास यहाँ पे ये कार्ड है, मैं आपको यहाँ पे दूसरा कार्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में मिला था। तो देखिए पहले मुझे यहाँ पे जब कार्ड ये मिला था तो मेरे पास यहाँ पे था प्लैटिनम मैक्सिमा कार्ड, यहाँ पे था
ठीक है। तो उस समय मुझे यहाँ पे 1,28,000 1,20,000 की लिमिट मिली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आया था, तो 1,00,000 कुछ यहाँ पे 56,000 यहाँ पे शायद हुआ था कि 1,60,000 लिमिट हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे 192 हुआ, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली अब जाके 2,11,000 हुआ था। उसके बाद भी मुझे यहाँ पे ये कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर आया था, उसके बाद मुझे मिला था आइकॉन क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आइकॉन क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था, ठीक है। ये दो कार्ड यहाँ पे अब बंद हो चुके हैं, जो कि अब यहाँ पे लेटेस्ट में मैंने यहाँ पे डाउनग्रेड कराया था और कार्ड यहाँ पे लिया था टाइटेनियम डिलाइट कार्ड, जो कि इस समय मैं प्रेजेंट में यूज कर रहा हूँ 2,11,000 की लिमिट के साथ। कल ही मैंने यहाँ पे इंक्रीज करने का यहाँ पे वीडियो लाया था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो उसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे चौथे क्रेडिट कार्ड का। चौथा क्रेडिट कार्ड कैसे मिला मुझे और कौन सा मिला था? चौथा क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टेड का यहाँ पे मुझे कार्ड मिला था। इसकी लिमिट यहाँ पे बहुत ही कम मुझे यहाँ पे दी गई थी। उस समय मैंने कार्ड टू कार्ड तो बेस अप्लाई किया था, लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन ऐसे थे कि जो भी यहाँ पे कार्ड रहेगा आपका यहाँ पे 1,00,000 यहाँ पे कम से कम यहाँ पे लिमिट रहना चाहिए पुराने कार्ड की। तो मैंने यहाँ पे HDFC के कार्ड के बेस पर अप्लाई किया था, जिसमें यहाँ पे 1,00,000 की लिमिट थी, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिया गया था 23,000 की लिमिट। अब जाके यहाँ पे 46,000 हुआ है, कुछ 46,000 ही अब यहाँ पे जाके हुआ है, ठीक है। तो टाइटेनियम का एक कार्ड, सॉरी स्टैंडर्ड चार्टेड का एक कार्ड है। अब यहाँ पे इसके पहले जो यहाँ पे कार्ड था, मैं आपको दिखा दूँ, इसके पहले यहाँ पे था मेरे पास यहाँ पे सुपर वैल्यू क्रेडिट कार्ड यहाँ पे था। जब स्टार्टिंग में अप्लाई किया था तो सुपर वैल्यू था, लेकिन अब यहाँ पे अपग्रेड करके मुझे एक कार्ड मिल गया था, मैंटम क्रेडिट कार्ड, अभी यहाँ पे करेंट में मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं यस बैंक का मुझे कार्ड मिला था। यस बैंक का यहाँ पे जो है कार्ड यहाँ पे मिला था, तो ये पांचवा नंबर कार्ड है, ठीक है, पांचवा नंबर कार्ड है, यस बैंक का मिला था। इसमें भी यहाँ पे मुझे सबसे कम लिमिट मिला था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पहले यहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया था तो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद मैंने एक हफ्ते बाद ही यहाँ पे दोबारा से अप्लाई किया था, तो उसके बेस पे यहाँ पे दूसरा कार्ड जो यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टेड का और यहाँ पे यस बैंक का दोनों साथ में ही अप्लाई किया था मैंने एक ही एजेंट से, तो हो सकता है जिस कारण भी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ हो, लेकिन लिमिट इसमें मिला यहाँ पे 30,000 यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे अपग्रेड करके ही मिला है, पहले यहाँ पे मेरे पास दूसरा कार्ड था, याद नहीं आ रहा है कार्ड पड़ा, तो इसमें यहाँ पे 30,000 की लिमिट मिली है। इसमें कोई भी ऑफर नहीं आता लिमिट इंक्रीज करने का, इसमें ऑफलाइन ही इंक्रीज कर सकते हो, भी इनकम प्रूफ रहेगा तो ही, यस बैंक में ऐसा है। तो ये पाँचवा कार्ड था। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए पाँचवा कार्ड हो गया, अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडसइंड का। इंडसइंड का मेरे को यहाँ पे कार्ड मिला, इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बाद यहाँ पे यस बैंक के बाद यहाँ पे छठा क्रेडिट कार्ड मुझे मिला इंडसइंड का। अब तो यहाँ पे लेजेंड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जिसकी लिमिट मुझे यहाँ पे मिली थी कुछ यहाँ पे 74,000 की। जब मैंने अप्लाई किया था तो 74,000 की लिमिट मिली थी। लॉकडाउन में मैंने अप्लाई किया था तो उसमें यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इंस्टेंट यहाँ पे अप्रूव हो गया 3 दिन के अंदर। तो ये था मेरा यहाँ पे छठा क्रेडिट कार्ड, जिसमें यहाँ पे पहले मुझे इंडसइंड का एवरा क्रेडिट कार्ड मिला था, फिर जाके यहाँ पे अपग्रेड हुआ, लेजेंड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मुझे मिला। तो ये छठा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड मुझे मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी क्रेडिट कार्ड इसके बाद ही यहाँ पे मिला था, जिसकी लिमिट यहाँ पे 1,28,000 की मुझे यहाँ पे मिली थी। क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किया था, वो अप्लाई किया था यहाँ पे SBI क्रेडिट कार्ड के बेस पे, जिसकी लिमिट 1,30,000 थी, तो उसके बेस पे मैंने अप्लाई किया था, तो ये भी यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ ही मिला था, ठीक है। इसका कार्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देख लीजिए 2020 से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपको डेट दिखता होगा, तो यहाँ पे 2020 में आप यहाँ पे देखिए दूसरे महीने से ही मुझे ये कार्ड मिला है, ठीक है। तो ये कार्ड मैं यहाँ पे 1,28,000 से यूज़ कर रहा था, और उसके बाद यहाँ पे 1,56,000 लिमिट हो गया है अब यहाँ पे। तो 2 साल हुआ है, हो सकता है अगले साल तक यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर यहाँ पे मिल जाए, हो सकता है, तो नहीं तो कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया सातवां क्रेडिट कार्ड। तो अब आते हैं यहाँ पे आठवां क्रेडिट कार्ड जो है अमेजॉन का, जो कि बहुत ही यहाँ पे यूजफुल कार्ड है मेरे लिए, यहाँ पे सबसे अच्छा कार्ड है इंडसइंड का और ये अमेजॉन का। अमेजॉन के लिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके वीडियो मैं अलग से ला दूंगा इसको अप्लाई करने के प्रोसेस के लिए। तो ये मेरा यहाँ पे कार्ड है, जो कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद ही जस्ट मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले यहाँ पे मेरा 3-4 बार रिजेक्ट भी हो गया, ये भी मैं यहाँ पे बता दूँ, लेकिन यहाँ पे उसका एक प्रोसेस भी हुआ, ऑटोमेटिक अप्रूव भी हो गया। तो पहले यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे जो है आठवां की नवा क्रेडिट कार्ड है, मैं आप याद नहीं आ रहा, लेकिन टोटल क्रेडिट कार्ड मेरा यहाँ पे 12 क्रेडिट कार्ड है, 12-13 क्रेडिट कार्ड है, जो कि यहाँ पे
अलग अलग है, अलग अलग लिमिट के साथ। अगर मैं यहाँ पे मर्ज कार्ड भी जोड़ूँ तो 14+ हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पे मर्ज कार्ड नहीं जोड़ रहा हूँ, जो यहाँ पे अलग अलग लिमिट के साथ है वही कार्ड यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। तो देखिए, ये अमेजॉन का क्रेडिट कार्ड है। पहले मुझे यहाँ पे लिमिट मिला था, सबसे हाईएस्ट लिमिट वाला ये कार्ड मुझे स्टार्टिंग में मिला था, 1,60,000 की लिमिट के साथ मिला था। 1,60,000 की लिमिट के साथ यहाँ पे मिला था। अब जाके यहाँ पे 2,20,000 की लिमिट है इंस्टेंट में, यहाँ पे इस समय यहाँ पे करंट में 2,20,000 की लिमिट है। बहुत ही यूजफुल कार्ड है। मैंने यहाँ पे इसको लॉकडाउन में अप्लाई किया था, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था, वीडियो का ऐसे वगैरह हुआ था। तो ये तो विदाउट इनकम प्रूफ ही हुआ था, कोई भी यहाँ पे कार्ड स्टेटमेंट ना इनकम प्रूफ कुछ नहीं दिया था। तो ये तो यहाँ पे एक बार अप्लाई किया, वेरिफिकेशन वगैरह जो यहाँ पे होता है, वीडियो का ऐसी वगैरह हो गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। फिर उसके एक महीने बाद ऑटोमेटिक अप्रूव भी हो गया, बिना कुछ किए ही अप्रूव हो गया था। तो ये अमेजॉन का कार्ड यहाँ पे मुझे मिला था। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखिए कौन सा कार्ड यहाँ पे मिला, कोटक बैंक का कार्ड मिला। कोटक बैंक की भी एक अलग ही कहानी है भाई, इसको भी बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। कोटक बैंक का कार्ड यहाँ पे देखिए, कम से कम मैं यहाँ पे 10 बार से ज़्यादा अप्लाई कर चुका था, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट होते गया। फिर यहाँ पे लास्ट चांस मैंने सोचा यहाँ पे एक बार और अप्लाई कर लेता हूँ, लॉकडाउन के बाद की बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डेट बता दूँ, यहाँ पे 12वें महीने में अप्लाई किया था, पिछले साल ही जो 2021 में 12वें महीने मतलब दिसंबर में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे अप्रूव हो गया, उम्मीद तो थोड़ी भी नहीं थी, लेकिन अप्रूव हो गया 1,40,000 की लिमिट के साथ। 1,40,000 की लिमिट के साथ यहाँ पे अप्रूव हुआ, जो कि अब यहाँ पे करंट में लिमिट इसकी है 1,76,000। 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे लिमिट इंक्रेस का यहाँ पे वीडियो लाया था, 6 महीना भी नहीं हुआ यहाँ पे लिमिट इंक्रेस हो चुका है, जो कि ये 6 महीने मैंने एक बार ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है। तो ये हो गया कोटक बैंक का कार्ड। अब यहाँ पे आते हैं कौन सा कार्ड बचा है, ये सिंपली क्लिक कार्ड है, जिसमें लिमिट यहाँ पे है 1,87,000 की। SBI सिंपली क्लिक में मुझे यहाँ पे मिला है 1,87,000 की लिमिट में यहाँ पे मिला। अब ये भी होता है कि भाई 1,87,000 लिमिट कैसे मिला है, ये अलग अलग कार्ड की लिमिट बता रहा हूँ मैं। एक में 1,30,000 है, एक में 1,87,000 है, ठीक है। और एक कार्ड मेरे पास यहाँ पे है SBI का ही, यहाँ पे देखिए ऑक्टन क्रेडिट कार्ड, जिसमें यहाँ पे 57,000 की लिमिट है। तो ये सब अलग अलग लिमिट के साथ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया था, लेकिन इसका यहाँ पे 1,87,000 कैसे हुआ, ठीक, इसके बारे में आपको बता दूँ। 1,87,000 ऐसे हुआ, पहले मेरे पास यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे MX क्रेडिट कार्ड थे। देखिए यहाँ पे MX का यहाँ पे इलाइट कार्ड था, उसके पहले यहाँ पे प्राइम कार्ड था, प्राइम और इलाइट दोनों ही थे यहाँ पे जो है SBI के। तो लेकिन यहाँ पे यूज नहीं होता था, 1,00,000 की लिमिट मिली थी, यूज नहीं कर पाता था मैं। इसके चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगते थे, जिसके कारण मैं यहाँ पे कहीं यूज नहीं कर पाता था, कहीं कहीं तो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो इसके कारण मैं यूज नहीं कर पाता था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कार्ड की लिमिट को यहाँ पे क्लोज कराया, पहले तो यहाँ पे कार्ड को क्लोज कराया, उसकी लिमिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लिया, और फिर यहाँ पे SBI सिंपली क्लिक अप्लाई किया, और यहाँ पे फिर से उसकी लिमिट को इसमें ट्रांसफ़र करा लिया। जब अप्लाई किया था यहाँ पे तो 1,00,000 लिमिट यहाँ पे थी, तो जो बचा कुछ यहाँ पे लिमिट थी सबसे ट्रांसफ़र यहाँ पे करा लिया। तो ये जाके हो गया 1,87,000 की लिमिट यहाँ पे हो गई। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे VV कार्ड भी अप्लाई किया था, तो ये भी मुझे नहीं जमा, तो इसको भी यहाँ पे बंद करा दिया था, क्योंकि लिमिट यहाँ पे हो गया था। सिंपली क्लिक भी मैंने यहाँ पे यूज करके देख लिया है, ये भी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पे करंट में 3 ही कार्ड यूज कर रहा हूँ, एक BPCL का यूज कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे पुराना वाला कार्ड है, दूसरा ऑक्टन का यूज कर रहा हूँ जो कि 57,000 की लिमिट है, तीसरा यहाँ पे सिंपली क्लिक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पे हो गया, सिंपली क्लिक यहाँ पे करंट में यूज कर रहा हूँ, ऑक्टन कार्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने है दोनों। यहाँ पे तीनों कार्ड यहाँ पे SBI का अगर हम यहाँ पे मिला के देखेंगे तो 3,87,000 यहाँ पे लिमिट होता है, शायद से 3,45,000 या 3,87,000 ऐसे लिमिट होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बचते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के कार्ड। एक्सिस बैंक का भी कार्ड यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, FD बेस कार्ड अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे FD बेस से कार्ड अप्लाई किया था। तो FD बेस अप्लाई किया था, 6 महीने बाद यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, जो कि होने ही वाला है, तो इसको क्लोज कर दूंगा। तो इसके लिए अप्लाई किया था, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए बजाज फिनसर का यहाँ पे कार्ड है, जो सुपर कार्ड है RBL का, ये मर्ज अमाउंट मिलता है RBL बैंक के साथ, तो इसका मैंने काउंट नहीं किया, तो इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इसको लेके 13 कार्ड यहाँ पे होते हैं, 13 या 14 जो भी होते हैं। अब बचते हैं फिर यहाँ पे जो क्रेडिट लाइंस यहाँ पे बचते हैं, क्रेडिट लाइंस वाले कार्ड बचते हैं। एक तो पैसा बाजार का कार्ड था, जो कि मैंने यहाँ पे क्लोज करा दिया, इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है कैसे क्लोज कराते हैं, कैसे अप्लाई कराते हैं, तो इसके ऊपर वीडियो आपको मिल ही जाएगा। तो ये तो छोड़ ही देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट लाइंस वाले कार्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट लाइंस वाले यहाँ पे कार्ड होते हैं। यहाँ पे एक तो हो गया यहाँ पे भारत पे का, ये भारत पे का कार्ड हो गया जो कि SBI बैंक के साथ टाइप है, ये भी मुझे 1 लाख की लिमिट के साथ यहाँ पे मिला है। दूसरा यहाँ पे पोस्ट पे का यहाँ पे कार्ड हो गया जो कि 50,000 की लिमिट के साथ यहाँ पे मिला है, भारत पे का पोस्ट पे का कार्ड हो गया। तीसरा यहाँ पे लेजी पे का कार्ड हो गया जो कि 80,000 की लिमिट के साथ यहाँ पे मुझे मिला है, ये भी यहाँ पे देखिए। और उसके बाद यहाँ पे आता है योनी कार्ड यहाँ पे हो गया जो कि अब मैं यहाँ पे क्लोज करा दिया हूँ, मैं खुद यहाँ पे क्लोज करा हूँ योनी कार्ड का। 80,000 की लिमिट की 88,000 या 80,000 की लिमिट मुझे यहाँ पे इसमें मिला था। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है देख लीजिए यहाँ पे स्लाइस कार्ड, इसे भी मैंने यहाँ पे क्लोज करा दिया, इसमें यहाँ पे 1,35,000 की लिमिट यहाँ पे मिले था। पहले 27,000 था, फिर डायरेक्टली यहाँ पे 1,35,000 लिमिट हो गया था बिना यूज किए, यहाँ तक मैंने यूज ही नहीं किया था, डायरेक्टली अपने आप यहाँ पे बढ़ गया था। तो इतने सारे यहाँ पे कार्ड है, टोटल यहाँ पे कार्ड होते हैं करीब 14 कार्ड होते हैं और 5 से 6 यहाँ पे क्रेडिट लाइंस होते हैं, ठीक है। तो टोटली मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ 15 या 16 लाख ऐसे ही होता है लिमिट वगैरह होता है टोटली ऐसा साइज से, ठीक है। तो आप यहाँ पे काउंट कर ही सकते हैं, मैंने आपको लिमिट बता दी है, तो आप यहाँ पे काउंट करके जरूर बताना मैंने यहाँ पे टोटल लिमिट यहाँ पे कितना बताया, ये भी यहाँ पे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पे किसने यहाँ पे वीडियो पूरा देखा है। तो देखिए सारे ही मैंने यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ लिया, विदाउट इनकम प्रूफ लिया, और यहाँ पे जो पे लेटर वाले यहाँ पे कार्ड है, बाय नाउ पे लेटर वाले कार्ड है, मैंने इसलिए क्लोज कराया क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मेरे पास इतने सारे कार्ड थे, तो ये सिविल में यहाँ पे पर्सनल कार्ड पर्सनल लोन वगैरह शो हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज करा दिया। तो देखिए इतने सारे कार्ड थे जितने भी यहाँ पे थे मैंने बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अप्लाई करना, जैसे यहाँ पे एक्सिस बैंक का मैं अप्लाई करने जाता हूँ रिजेक्ट हो जाता है, AU बैंक का यहाँ पे कुछ पॉलिसीज बैंक अकाउंट मेरा ओपन था तो उसके कारण मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए यहाँ पे ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। बसता है IDFC का भी कार्ड आ ही जाएगा उसको। देखिए ये सब कार्ड यहाँ पे का रीज़न दो कारण है, पहला तो यहाँ पे सिविल यहाँ पे अच्छा रहना चाहिए, कार्ड को यहाँ पे कम यूज करें, जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कम मतलब इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ये भी सोचते हैं 30% यहाँ पे 30% छोड़ के यहाँ पे जितना है यूज करना है यूज कर ले, बहुत से ये भी सोचते हैं बैंक यहाँ पे हमें क्रेडिट लिमिट दी है यूज ही करने के लिए, यूज करो बिंदा, तो यहाँ पे उससे कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा सिविल वगैरह का, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपका यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने जाएंगे या लोन अप्लाई करने जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बैंक आपके रिपोर्ट को देखती है, रिपोर्ट देखेगी तो यही सोचेगी कि आप टोटली आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और लोन के ऊपर डिपेंड है, तो उससे बैंक आपको यहाँ पे सोचेगी ये फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ, इसलिए यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आपके पास पैसा ना रहे तो आप यहाँ पे बैंक के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बैंक जल्दी कार्ड को अप्रूव नहीं करती है इतना अगर लिमिट यूज रहेगा। तो मेरे हिसाब से यह है अगर जब भी आप यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने जाए कोई अच्छे बैंक का जैसे IDFC है ये बैंक ये सब यहाँ पे अप्लाई करने जाए तो 3 महीने पहले अपने कार्ड का यहाँ पे जो लिमिट है वो कम से कम यूज करें, जितना कम हो सके उतना यूज करें, फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने जाए और क्रेडिट इंक्वायरीज को यहाँ पे कम रखें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये सब बातों का ध्यान दे के उसके बाद अप्लाई करने जाएंगे तो आपका यहाँ पे अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे बता दिया कैसे मुझे मिला और कितना लिमिट था, कितने कार्ड थे, कितने पे लेटर थे, सब कुछ यहाँ पे बता दिया। पे लेटर मतलब पे लेटर के कार्ड, पे लेटर और भी यहाँ पे जीप है, फ्लिपकार्ट है, ये सब इसको छोड़ के ये सब मैंने यहाँ पे जितने कार्ड थे उसके बारे में यहाँ पे बता दिया। और भी अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ यहाँ पे डाउट्स होते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट्स होते हैं आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कभी भी यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जो भी आपका डाउट रहेगा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो बैकअप यहाँ पे चैनल है, कभी कुछ होता है तो उस पर हम यहाँ पे लाइव जो है आपसे बात होते रहेगी, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें, रिक्वेस्ट है। बाकी जो भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, कुछ भी डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।